चिली की राजधानी सेंटियागो में मेट्रो किराया बढ़ने के खिलाफ एक बार फिर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोग सरकार के इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने इस दौरान सड़क पर खड़ी बसों में भी आग लगा दी, जिसके बाद वहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इस दौरान पुलिस के कई जवान बसों पर पानी की बौछार कर आग बुझाते नजर आए। लोगों के प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछारों का भी इस्तेमाल किया। प्रदर्शन के बाद पुलिस के जवानों ने सड़कों पर गश्त की। तो चिली के सेंटियागो का ये मामला है। मेट्रो का किराया बढ़ने से दरअसल लोगों में खासी नाराजगी थी और इसी नाराजगी के चलते लोग सड़कों पर उतरे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। लखनऊ में नेपाल के नागरिकों से भरी एक बस हादसे का शिकार हो गई। नेपाली नागरिकों से भरी बस ट्रक में जा घुसी, जिससे 14 यात्री जख्मी हो गए। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। नेपाल से दिल्ली जाते समय इकाना स्टेडियम के पास ये हादसा हुआ। 14 लोग इस हादसे में जख्मी हो गए। अजीत सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कब और कैसे हुआ ये हादसा अजीत? बिल्कुल गादरी, शहीद पथ पर सुबह का ये हादसा हुआ। नेपाल से दिल्ली जा रही थी बस, जिसमें नेपाली नागरिक सवार थे और ये बस अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे 6 माह की एक मासूम समेत 1.5 दर्जन लोग घायल हो गए। सभी को जो अस्पताल है वहां भेजा गया, कुछ लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया और इकाना स्टेडियम जो शहीद पथ पर है वहां पर यह हादसा हुआ है। तो निश्चित तौर पर जो प्रशासनिक अधिकारी थे, स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची, जिससे एक बड़ी दुर्घटना होते थे बच्ची, किसी की हताहत होने की खबर नहीं। गायत्री, बिल्कुल अभी जो यात्री जख्मी हुए हैं अजीत, उनकी क्या हालत बनी हुई है? 2 यात्री ऐसे थे जिनको थोड़ा अधिक चोट आई थी, उनको जो अस्पताल है वहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। बाकी जो लोगों को चोट आई थी उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया है। गायत्री, बाकी जो बस थी उसको थोड़ा छत दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, क्योंकि टकरा गई थी एक दूसरी गाड़ी से। तो जिस निश्चित तौर पर जो दोनों गाड़ियां थी उनको पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया था और बाकायदा जांच की जा रही है। कहा जा रहा है कि पुलिस थोड़ी देर में इस पूरे मसले पर प्राथमिकी भी दर्ज कर लेगी। शुक्रिया अजीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो ट्रक और बस के बीच ये भिड़ंत हादसे में नेपाल के 14 लोग जख्मी हो गए हैं। नेपाल से लोगों को लेकर दिल्ली आ रही थी ये बस और इसी दौरान लखनऊ में हादसे का शिकार हो गई। इकाना स्टेडियम के पास ये हादसा हुआ है। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में ये बस हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रक और बस की टक्कर हो गई थी, जिसमें 14 लोग जख्मी हो गए। मुंबई के पास नाला सोपारा इलाके में बहुजन विकास अघाड़ी और शिवसेना कार्यकर्ता के बीच जमकर झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और शिवसेना उम्मीदवार प्रदीप शर्मा पर पैसे बांटने का आरोप लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। लोगों ने इस दौरान प्रदीप शर्मा की गाड़ी को घेर लिया और जांच की मांग करने लगे। बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के अधिकारियों को भी बुला लिया और मौके पर ही गाड़ी की तलाशी लेने की मांग की। इस बीच शिवसेना और बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प शुरू हो गई और फिर पुलिस ने शिवसेना उम्मीदवार प्रदीप शर्मा की गाड़ियों को वहां से बाहर निकाला, लेकिन बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता थाने पहुंच गए और हंगामा करने लगे, जिन्हें हटाने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। वहीं हालत गंभीर होने के बाद इलाके में अर्धसैनिक बल को तैनात कर दिया गया। नाला सुपारा से बहुजन विकास अघाड़ी के उम्मीदवार हितेंद्र ठाकुर के बेटे क्षितिज ठाकुर और शिवसेना उम्मीदवार प्रदीप शर्मा के बीच लड़ाई है। क्षितिज ठाकुर लगातार 2 बार नाला सुपारा से चुनाव जीत चुके हैं। गाड़ी वहां से निकल के वो पुलिस ऑफिसर को भी लेके, पुलिस कर्मचारी को भी लेके गाड़ी के साथ उधर से भाग गया। इस तरह की वाकया घड़ा और हमारे अधिकारियों के साथ बात होने के बाद अधिकारी ने बोला कि हमारे पुलिस ऑफिसर को या हमारे लोगों को अगर उन्होंने लेके भागा है तो उसको किडनैपिंग के भी केस उसके ऊपर डाली जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी।